30 अगस्त को सावन पूर्णिमा, लेकिन भद्रा काल रहेगा पूरे दिन, इसीलिए रक्षा सूत्र बांधने का सबसे अति उत्तम मुहूर्त क्या रहने वाला है, आइए मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि दोस्तों इस बार भद्रा काल होने की वजह से लोगों के बीच कंफ्यूजन है कि आखिर किस समय राखी बांधना शुभ रहेगा। मैंने आपको कल DLS न्यूज के ऊपर एक जानकारी बताई थी कि भले ही आप भद्रा काल के दौरान राखी बांधे, लेकिन टाइम का आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। अभी यहाँ पर बात करेंगे कि किस टाइम पर राखी आपको बिल्कुल भी नहीं बांधनी है, बाकी उस टाइम के अलावा आप कभी भी राखी बांध सकते हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं भद्रा काल का साया किस किस समय पर रहेगा, और भद्रा के दौरान ही अगर राखी बांधनी है तो कौन सा समय अति शुभ रहेगा, अति उत्तम रहेगा, और बाकी भद्रा काल के अलावा राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो हिंदी तिथि के मुताबिक हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है ना? और इस बार हिंदू पंचांग के मुताबिक 30 व 31 अगस्त को दो दिन रहेगी पूर्णिमा। 30 अगस्त को सुबह 10:50 से पूर्णिमा भी शुरू होगी और भद्रा काल दोनों शुरू होंगे। फिर भद्रा तो रात में 9:20 पर समाप्त हो जाएगी, लेकिन पूर्णिमा तिथि अगले दिन 31 अगस्त को सुबह 7:05 पर समाप्त होगी, है ना? ऐसे में ध्यान देने वाली बात यह है कि 30 अगस्त को दिन भर जो भद्रा रहेगा ना, उसमें रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, खैर ये अपन जानेंगे। एक और अच्छी खबर ये है दोस्तों कि इस बार रक्षाबंधन पर वोकल फॉर लोकल का असर दिख रहा है, बाजार से चीनी राखियां गायब हो गई। भारतीय राखियों की भारी डिमांड भी देखी जा रही है, मेड इन इंडिया राखियां बाजार में बड़े थोक लेवल पर बिक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की त्योहारों पर वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की अपील का असर न सिर्फ दिवाली पर बल्कि इस बार रक्षाबंधन पर भी देखने को मिल रहा है। पिछले साल दिवाली पर चाइनीज लाइट वगैरह फुलझड़ियां ये भी गायब थी बाजार से, और इस बार उत्तर भारत के सबसे बड़े थोक बाजार सदर बाजार में रक्षाबंधन के त्योहार पर चीन निर्मित राखियां नदारद हैं। चीन को बड़ा झटका लगा इससे, और अच्छी बात यह कि देश में कारोबार अच्छा होने की उम्मीद है इस साल रक्षाबंधन पर। सोना चांदी के रेट को लेकर भी खबर है कि रक्षाबंधन से पहले बड़े सोना चांदी के दाम, सोना फिर 59,000 और चांदी 74,000 के करीब पहुंची। कैरेट के हिसाब से आज गोल्ड का रेट क्या चल रहा है, माताएं बहने आप देख सकती हैं अगर आप राखी पर कोई ज्वेलरी वगैरह खरीदती हैं तो, ठीक है। और बाकी रक्षाबंधन की डेट पर कंफ्यूजन तो खत्म कर लीजिए, क्योंकि रक्षाबंधन आप दोनों दिन मना सकते हैं 30 और 31 को। देश भर के बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि आप दो दिन में से किसी भी एक दिन राखी बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मसला ये बन रहा है शुभ मुहूर्त का, तो आप दिन में इस टाइम पर राखी बांधे तो भद्रा का भी डर नहीं रहेगा, अगर आप रात में राखी नहीं बांधना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप समझ गए होंगे 30 अगस्त को रात 9 के बाद राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। लेकिन जो लोग रात में रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहते वे दिन में रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं, लेकिन आपको 31 अगस्त के दिन सुबह वापस 6 से लेकर 7:30 तक राखी बांधनी होगी। ये भी अति उत्तम शुभ मुहूर्त रहेगा और सावन पूर्णिमा का ही समय रहेगा इस दौरान, ठीक है। लेकिन अगर आप 30 अगस्त की दिन में ही राखी बांधना चाहते हो तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है दोस्तों, भद्रा पुच और भद्रा मुख का। ये कंसेप्ट आपको समझना होगा, क्योंकि भद्रा मुख के समय कभी भी राखी नहीं बांधी जाती है। भद्रा मुख का जो समय होता है ये बहुत ही अशुभ समय माना जाता है, लेकिन भद्रा पुच में आप बांध सकते हैं और इसका समय रहेगा शाम को 5:32 से 6:32 तक। ये टाइम रहेगा भद्रा पुच का। ध्यान रखना भद्रा मुख में कभी कोई शुभ काम नहीं किया जाता, जो कि समय रहेगा शाम को 6:30 से लेकर रात 8:15 तक, तो इस टाइम पर तो बांधनी ही नहीं है। बाकी रात में बांध रहे हो तो फिर 9 बाद बांधो। और बात करें रक्षाबंधन पर भद्रा पुच में, अगर आपको दिन में अति आवश्यकता पड़ती है तो आप 30 अगस्त बुधवार को भद्रा प्रारंभ के पहले या तो सुबह 6-9 के बीच राखी बांध सकते हैं, या फिर शाम को 5:32 से 6:32 के बीच। ये एक घंटा अति शुभ मुहूर्त का समय मिल रहा है आपको 30 अगस्त के दिन, तो इस टाइम पर भी राखी बांधी जा सकती है, ठीक है, 5:30 से 6:30 के बीच, है ना। और भी समय को लेकर मन में आपके कोई कंफ्यूजन तो कमेंट करके मुझे सवाल पूछे, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।